हेलो जी, राम राम जी। सुनते ही मस्ती लाइफ में आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज मैं फिर कहाँ जा रही हूँ, मैं जाऊँगी कीर्तन के एक प्रोग्राम में। कौन कौन जाएगा मेरे साथ वो दिखाऊँगी, और मंडली कौन सी आएगी वो भी आपके को दिखाऊँगी। तो बने रहना, क्या मज़ा आएगा क्या कुछ नहीं। तो जो भी कुछ ना भी आए मज़ा, तो कीर्तन का आनंद उठाना बढ़िया अच्छे तरीके से। और जो कुछ होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरी देखना, मज़ा आएगा वीडियो देखने। पूरी देखोगे ना तभी समझ में आता है और मज़ा भी आता है, ठीक है। तो चलो फिर कर लेते हैं और चलते हैं प्रोग्राम में। और आज मैंने देखो ये सूट डाला है, ये चुन्नी, और ये सूट कैसे दिखाऊं, ये सूट है ना, बहुत पुराना है बहुत। ये मेरे को मिला था जब गोद भराई में गए थे हम, अपने बेटे की गोद भराई में गए थे तब मिले थे ये सूट हमें सभी को सेम। तो बेटा कहाँ है, बेटा जी है वो जो मेरी मैडम है ना, उसके बेटे की मैं। और वो आपके व्लॉग में कई जगह आती है पूजा, उसके में अब तो समझ ही गए होगे। तो उसके उनकी गोद भराई में रिंग सेरेमनी में मिले थे ये सूट। तो चलो फिर चलते हैं और बताना मेरा सूट कैसा लगा। बहुत पुराना, कभी कभी जी कर जान जी पैर लिया करूँ। तो चलो चलते हैं। देखो ये है मेरे साथ कीर्तन में, इसे के साथ जाऊंगी मैं क्योंकि मन्ना घर का नहीं मेरा है। और सारी मेरे ख्याल से सारी जानकारी ये जाऊंगी है, अपने इससे पड़ोस की जाऊंगी है। आए मीनू, सभी जगह कर सवा बारह हो गए, घंटे हो गए गांवतिया ने, और अरब तिलक कर रही है जी। मैंने इस बार फोन करा, ने मैंने मूर्ति को बैठी हूं, एक सेकंड तुमने के करवाए थे देखो देखो बाबा दिख है ना, लोगों ने कमान खाने का नया नया तरीका ढूंढ ले कि बता। चोटी के ऊपर की है वो मोर की पंख ना, मोर की पंख लगाने का क्या मतलब, गुड़िया के बाल खा लो। ये भी दिखा दे मक्का की, और ये देखो ये मेरी देवती है दिविशा इधर देखो, दिविशा बावड़ी हो रही है मम्मी, देख देख कर ईद का चांद हो ये चुंदड़ी एक दुकान रोहतक मार्केट में। आज ही भाई किसे नाना होते, आज हम फिर रोहतक मार्केट में पहुंच गए। अब टंडा टेरा ठाक इतने छोरी ना भी आई जाएंगी, इतने चक्कर नहीं लागे नहीं है ना, बर्तनों की मार्केट में आ गए। देख लो किसका, तो जी आज देखो, आज हमने अपने नए तवे का इस्तेमाल कर लिया है, बना के देख रहे हैं कि इस पे पराठे कैसे बनेंगे। तो आज भी साधना लग रही है पराठे बनाने, मस्त है एकदम। ऑयल फ्री है ना पराठे, देख लो भाई ना, तो कहीं तेल वगैरह कुछ ना दिखता, ऑयल फ्री पराठे बन रहे हैं। और खा के पता चलेगा कि मैं ट्रस्ट भी अलग पाया था। और आज हमने बनाए हैं मूली के पराठे, और ये देखो मेरा बेटा आ गया है, 15 दिन का नाम लेके गया था लेकिन 1 हफ्ते में आ गया। अब पता नहीं आगे कहाँ जाएगा ये। और ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था कि ये गया हुआ है कहीं पे, तो भाई ये गया हुआ था चाइना, चेन्नई गया था ये ऑफिस के किसी काम से, तो वहाँ का काम हो गया पूरा। और फिर आज सुबह 4:15 बजे इसने गेट खटखटा दिया हमारा, सरप्राइज दे दिया एकदम से, और जाने का भी एकदम से ही सरप्राइज दिया था। चौंधा हुआ है धूप की वजह से ना, वैसा हुआ है खुला ना, बार बार धूप आ रही है इसमें चौंधा चौंधा सा लग गया है। तो चलो फिर
जिसको पराठे खाने आ जाइए।